एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी की 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में ये स्थित है। अजंता चित्रकाल में क्या दर्शाया गया था? वो गया था पंचतंत्र। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, ये क्या है, सीईओ है फ्लिपकार्ट के। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। मलेशिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? महाथिर मोहम्मद। नेक्स्ट है, रबड़ को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। महिला एक बाल विकास मंत्री कौन है? मेनका गांधी। मेनका गांधी क्या है? बाल विकास महिला मंत्री। गारो पहाड़ियां किस राज्य में है? मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा, 2019 का शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। हॉकी इंडियन के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। फ्रेंड, नॉर्वे राजधानी क्या है? ओस्लो। ये क्वेश्चन फ्रेंड पहले भी रिपीट हुआ है और ये अब भी आया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और प्लीज मैं एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया किया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। सो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। यूएस ओपन कवेट चैंपियनशिप 2018 में इंडियन ने कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में क्या स्थान था? तीसरा स्थान था। भारत सरकार ने किस बैंक से ऋण लिया? वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया था। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? ऑर्गन। आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त 6 और 7। सो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी से 3 या 4 क्वेश्चन डेली के रिपीट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और एक लाइक जरूर कर दिया करें, और लाइक एंड शेयर आप करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।